Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. और इस शुभ सुबह को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को अभिनंदन. This is a new day, and it is good to begin this day in the presence of the Lord for a few minutes and listen to His voice. और ये एक नया दिन है और बहुत अच्छा होगा कि कुछ मिनट को लेकर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएं. This morning I would like to meditate with you about the prayer of Daniel. आज की सुबह मैं दानियल के प्रार्थना के ऊपर के विषय में बताना चाहता हूँ. He did not simply pray on some occasion. और दानियल जो है सिर्फ किसी विशेष अक्सर पर वो प्रार्थना नहीं करते थे. He possessed a spirit of prayer. दानियल के अंदर एक प्रार्थना का आत्मा था. And he survived many years of service as a statesman under four mighty emperors. और दानियल जो है अपने जीवन भर में उन्होंने सेवा किया चार महान राजाओं के अधीन में. Under heathen kings. और ये राजाएं जो थे वो अनजाति के थे. एंड अमंग आइडल वर्शिपर्स. और मूर्ति पूजक थे. एंड पीपल हु डिड नॉट नो यहोवा गॉड. और ऐसे लोग जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे. एंड गॉड ऑनर्ड हिम. लेकिन परमेश्वर ने दानियल का आदर किया. एंड ही अचीव्ड व्हाटएवर ही अचीव्ड ओनली थ्रू प्रेयर. और जो कुछ भी दानियल ने हासिल किया वो प्रार्थना के द्वारा उन्होंने हासिल किया. सो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दानियल्स प्रेयर. सो इसलिए हम दानियल के प्रार्थना के जीवन के विषय में देखेंगे. सो आई रीड दिस पैसेज इन द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 वर्सेस 10 एंड 11. आइए हम अपने बाइबल को खोलें. दानियल उसका छठा अध्याय उसका 10 और 11 पद. व्हेन दानियल न्यू दैट द डॉक्यूमेंट हैड बीन साइंड He went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before his God. और जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलम की ओर खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा. तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया. दानियल वाज अ लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट ऑफ किंग डेरियस. और दानियल जो था वो दारा राजा के जो नेताओं का जो समूह था उसका वो सरदार था. As you know, he began his service under Nebuchadnezzar, a Babylonian, when Babylon was in its height. और जैसे कि आप सब जानते हैं दानियल ने अपना जो कार्य शुरू किया था वो नेबुकदनेज़र राजा जो उस टाइम बाबुल के राजा थे उसके अधीनता में शुरू किया था. एंड व्हेन बाबिलोन फेल डेरियस बिकेम द एम्परर ही वाज अ पर्शियन. और जब बाबुल गिरा तो फिर दारा राजा जो है जो पर्शियन था वो राजा बन गया. एंड His fellow Daniel was serving under Darius. और फिर दानियल दारा राजा के अधीनता में कार्य करने लगा. He was actually the leading minister in Darius' cabinet, and along with him there was number of others. और दारा के कैबिनेट में जितने भी नेता पाए जाते थे सबसे प्रमुख नेता दानियल थे. He found favor with the king.
और राजा के सामने वो राजा प्रसन्न होते थे दानियल से. And he was promoted to the highest level. और दानियल को सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाया गया. And his fellow ministers were filled with jealousy. और जितने भी उनके सहकर्मी लोग थे वो सब जलन से भर गए. They all wanted to destroy him. वे सब उनका नाश देखना चाहते थे. And they could not catch him in any kind of evil or corruption or immorality or any kind of thing. लेकिन ये लोग जो है दानियल को किसी भी बुरे काम में या भ्रष्ट काम में या अनैतिक काम में नहीं पा सकते थे. And so in their obsession with that thought of destroying Daniel, they forced and they impressed upon the emperor to make his own statue and made people to worship him. और ये लोग इतने उतावले हो गए, परेशान हो गए, कैसे दानियल को परेशान किया जाए, तो उन्होंने राजा को मजबूर किया कि वो अपने ही रूप में एक मूर्ति को बनाए. And since all other governors were to report to Daniel, और क्योंकि बाकी जो नेता थे उनको दानियल के सामने रिपोर्ट करना होता था. And thus Daniel distinguished himself above all the others. और लेकिन दानियल जो है अपने आप को अपने सर्वश्रेष्ठ रखा रहा. And this caused others to be so jealous of him. और इससे क्या हुआ, दूसरे लोग जो है जलन होने लगा. So a huge statue of the emperor was made and a decree was declared that for 30 days no one in the kingdom should pray to any other god except bow before that idol and worship. So ye murti banaya gaya aur raja ka murti banaya gaya aur ek aadesh nikala gaya ki 30 din tak कोई भी मनुष्य किसी परमेश्वर के सामने नहीं झुकेगा, सिर्फ इस राजा के मूर्ति के सामने झुकेगा. एंड द डिग्री वेंट आउट और ये आदेश गया. एंड दे वर लुकिंग आउट फॉर डैनियल व्हाट ही वुड डू. और ये लोग जो योजना बनाए वो लोग ध्यान दे रहे थे कि दानियल इस समय क्या करेगा. दे कुड ओनली कैच हिम इन दैट रिगार्ड that he was disobeying king's verdict or king's order decree and worshiping his own Jehovah God. और ये लोग सिर्फ एक ही काम में दानियल को पकड़ सकते थे कि वो आदेश कि दानियल आदेश को न मानते हुए वो अपने ही यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करते थे. So the passage we read here, so जो भाग हमने यहाँ पर पढ़ा is about Daniel's prayer. वो दानियल के प्रार्थना के विषय में है. So let us examine Daniel's prayer. आइए इस प्रार्थना को हम देखें. Number one, पहली बात, Daniel constantly prayed. दानियल लगातार प्रार्थना में लगा रहा. That means in his prayer life he was constant. मतलब वो अपने प्रार्थना के जीवन में वो लगातार उसमें बना रहा. He was not praying just occasionally. और सिर्फ कुछ ही समयों में वो नहीं प्रार्थना किया करता था. Or on certain season. या किसी विशेष कारणों से. He prayed at all seasons. वो हर समय प्रार्थना में लगे रहते थे. As a captive, he had prayed very much. और जब वे गुलामी में थे तब भी वो बहुत प्रार्थना किया करते थे. He prayed under Nebuchadnezzar. नबूकदनेस्सर के अधीनता में तब भी प्रार्थना किया. As a counselor and chief of his treasuries. और उसके पूरे खजाने के खजांची के रूप में वो बना रहा. And he prayed now under the greatest danger and threats. और अब जबकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा और समस्या सामने आ गया, लेकिन उसके बावजूद वो फिर प्रार्थना करने के लिए गया. So he was not an occasional prayer but a constant prayer. So हम देखते थे कि सिर्फ कभी-कभी नहीं लेकिन हमेशा वो प्रार्थना में लगे रहते थे. And secondly, दूसरी बात, he prayed regularly. वो दिन रोज वो प्रार्थना किया करते थे. Three times a day. और प्रतिदिन तीन बार. Now if you turn to Psalm number 55. और अगर आप भजन संहिता 55 में देखेंगे. The psalmist said. यहाँ भजन लिखने वाला कहता है. Evening and morning and at noon I utter my complaint and moan and he hears my voice. 55.
17. भजन संहिता 55 का 17 पद, यहाँ लिखा है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को और तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। That was his regular practice. और यही दानियल का रोज का काम था। Morning, evening and morning at noon and then evening. और सुबह के समय में, दोपहर के समय में और शाम के समय में। Now, even when his enemies were watching. और अब जबकि दानियल के शत्रु उसको देख रहे थे। In fact, they were waiting to catch him. और इस कार्य को करते हुए वे इंतजार कर रहे थे कि वो दानियल को पकड़वाए। And catch him in the act of prayer. और प्रार्थना करते हुए उनको पकड़े। They saw him in the morning on his knees. और सुबह के भोर के समय में वो देखते थे कि दानियल अपने घुटने पर है। And giving thanks to God Almighty for all his mercies. सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सारे करुणा के लिए। And they saw him returning at noon. और फिर वो देखते थे कि दानियल दोपहर के समय में भी जाता था। And found him on his knees. और अपने घुटनों पर आता था। And again they saw him coming back to the upper chamber in the evening. और फिर सांझ को भी वो देखते थे कि दानियल जो है अपने ऊपरी कोठरी पर जाकर घुटनों पर आ And रहा they saw him on his knees. और घुटनों पर देखा। This was his regular practice. और यही दानियल का रोजमर्रा का अभ्यास था। And now he is facing the greatest of danger. और अब वो सबसे बड़ा खतरे का सामना कर रहा है। If anybody caught praying to any other god than the king himself. और अगर कोई भी पकड़ा जाए कि उस राजा के मूर्ति के सिवाय किसी और से प्रार्थना करते हुए उनको पकड़ा जाएगा। He or they will be cast in the den of hungry lions. और ऐसे लोगों को पकड़ के उनको शेरों के मान में फेंक दिया जाएगा। But as usual. लेकिन जैसे पहले होता रहा। Daniel went to his chamber and prayed. दानियल अपने ऊपरी कोठरी पर जाकर वो उन्होंने प्रार्थना किया। And thirdly, तीसरी बात, he prayed believing. दानियल इस प्रार्थना किए इस बात को विश्वास करते हुए। We see him opening the window of his room and opening it towards Jerusalem. हम देखते हैं कि दानियल अपने कमरे के खिड़कियों को खोलते हुए जो यरूशलेम की ओर था। And David lifted up his hands towards his holy temple. और हम यहाँ पर दाऊद को भी देखते हैं कि वो अपने हाथों को उस पवित्र मंदिर की ओर उठा रहा है। So this we read in Psalm number 5. और इसको हम पढ़ते हैं भजन संहिता 5 में। Psalm number 5 we read 5:7. उसके सातवें पद में। But I, though through the abundance of your steadfast love, will enter your house. I will bow down toward your holy temple in the fear of you. परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। Jesus has given a promise. यीशु ने एक प्रतिज्ञा दिया। In the Gospel according to St. John chapter 15 verse 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद में। And we read here, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। We have a living God. हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है। Like Daniel had a living God. और जिस प्रकार दानियल के पास था। He is the same God we have. और वही परमेश्वर हमारे पास है। Jehovah God. यहोवा परमेश्वर। And so he prayed believing
that this living God will hear his prayer and then answer his prayer. और दानियल ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया कि ये जीवित परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा. Fourthly, चौथी बात, he prayed fearlessly. वो निडर प्रार्थना करते थे. In the book of Nehemiah, concerning Nehemiah, we read it in chapter 6, verse 11. और नेहमायाह के विषय में हम उसके पुस्तक में 6 अध्याय के 11 पद में पढ़ते हैं. He has undertaken the building of the walls of Jerusalem city. और उन्होंने अपने ऊपर इस कार्य को लिया कि यरूशलेम शहर के चारों ओर उस दीवार को खड़ा करेगा. He faced lot of threats and persecution and lots of opposition. और नेहमायाह का भी बहुत विरोध हुआ और बहुत लोगों ने धमकी दिया और बहुत कुछ बोला उनके विरोध में. But he faced them all fearlessly. लेकिन नेहमायाह ने इन सब का सामना बिना डर के सामना किया. And fifthly, पांचवी बात, he prayed cheerfully to God. आनंद के साथ, खुशी के साथ उन्होंने प्रार्थना किया. Daniel gave thanks. दानियल ने धन्यवाद दिया. And that's the way we need to pray. और इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना है. You know, in 1 Thessalonians, पहले थसलोनिकियों में, we have a 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 and 18. पहला थसलोनिकियों उसका पांचवा अध्याय 17 और 18 वचन. We read, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. And this is the way we need to pray. और इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना है. And we need to be, when you give thanks, you need to be cheerful. और जब आप धन्यवाद देते हैं तो आनंद और खुशी के साथ धन्यवाद देना है. Because you know that your prayer is heard. क्योंकि आप जानते हैं कि आपका प्रार्थना सुनी जाएगी. And then lastly, और अंतिम बात, he prayed earnestly. और अंतिम बात हम देखते हैं कि पूरे मन लगाकर उन्होंने प्रार्थना किया. And we read in this in Daniel chapter 6. और इसको हम पढ़ते हैं दानियल उसके 6 अध्याय में. He made supplication. विनतियों के साथ. Chapter 6 verse 6. उसके 6 पद में. Then these verse 6. He made supplication. Verse 11. माफ कीजिएगा, 11 पद में. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and a plea before his God. तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया. What is supplication? और ये गिड़गिड़ाना क्या है? Supplication is prayer intensified. और प्रार्थना करना पूरे जोश और मन से. It is pleading. और ये विनती करना है. It is entreating. और विनती करना, मांगना. And this is the way Jesus used to pray while he was here on earth. और इसी प्रकार यीशु भी प्रार्थना किया करते थे जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे. So I will read that in the book of Hebrews. और इसको हम पढ़ते हैं हिब्रानियों के पुस्तक में. Hebrews chapter 5 verse 11. हिब्रानियों उसका 5वां अध्याय 11 पद. About this we have much to say. And it is hard to explain since you have become dull of hearing. और इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो. No, I'm sorry, that's wrong. But Hebrews chapter 5 verse 7.
माफ कीजिएगा इब्रानियों उसका पांचवा अध्याय और सात पद. In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे जी उसको मृत्यु से बचा सकता था. प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. Who can in this life live a victorious life? इस जीवन में कौन एक विजय जीवन व्यतीत कर सकता है? Who can in this life overcome all the oppositions and all the hard trials? और कौन ऐसा है जो इस जीवन में सारे विरोध को और सारे कष्ट और क्लेश का सामना कर सकता है? Who can in this life enjoy living a Christian life? और इस जीवन में एक मसीही खुशहाल एक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन ऐसे कर सकता है? It is a man or a woman who will pray the way Daniel prayed or Jesus prayed. एक ऐसा पुरुष या स्त्री जो दानियल के समान या यीशु मसीह के समान प्रार्थना करेगा. Constantly pray. लगातार प्रार्थना में लगे. Regularly pray. प्रतिदिन प्रार्थना करना. And praying with faith, believing. और विश्वास के साथ प्रार्थना करना. And praying fearlessly. और बिना डर के प्रार्थना करना. And praying cheerfully. और आनंद के साथ प्रार्थना And करना. And praying earnestly. और पूरे मन लगाकर प्रार्थना And करना. And that means making supplications. और इसका अर्थ यही है कि विनतियों के साथ. And earnestly seeking God in prayer. और गिड़गिड़ाना और परमेश्वर से मांगना. Like Jesus. जिस प्रकार यीशु ने With loud crying. ऊंचे आवाज में. He made supplications to God the Father. वो विनती करते थे पिता से. Such people of prayer. और ऐसे प्रार्थना के लोग. They shall be victorious. वे विजयी बनेंगे. And they shall live successfully. और ऐसे ही लोग सफल पूर्वक एक जीवन व्यतीत करेंगे. For this we need the Holy Spirit. और इस कारण से हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. You don't have to be defeated. और आपको हार मानने की जरूरत नहीं है. The Bible says in the words of the Apostle Paul in Romans, we are more than conquerors. बाइबल कहती है रोमी के पुस्तक में पौलुस के वचन के द्वारा कि हम विजय से भी बढ़कर हैं. Who can be more than a conqueror? और जयवंत से बढ़कर कौन हो सकता है? One who will be in constant touch with heaven. वो जो लगातार स्वर्ग से संपर्क बना के रखता है. May you be such a person. होने पाए कि आप ऐसे एक व्यक्ति बने. And experience the miraculous. और वो चमत्कार जो है आप महसूस अनुभव करने पाए. Supernatural. और एक अलौकिक एक चमत्कार. Prayer is such a weapon. और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है. That a believer on his knees will be the greatest threat to the devil. कि एक विश्वासी जब वो अपने घुटनों पर आता है वो शैतान के लिए सबसे भयानक एक हथियार बन जाता है. You can be that person who will be the greatest threat to the devil if you develop this habit of a prayer. और इसलिए आप भी एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो शैतान के लिए सबसे भयानक हथियार हो अगर आप इस प्रार्थना के स्वभाव को और आप प्रार्थना को रोज करेंगे. So I pray. So मेरी प्रार्थना यही है. The Holy Spirit will come upon you. कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी. As you seek Him for the Holy Spirit earnestly. जबकि आप पूरे मन से पवित्र आत्मा के लिए खोजते हैं. And develop this habit of prayer. और इस अभ्यास को रखे कि प्रार्थना करें. Never giving up. और कभी भी हार ना माने. Until victory is visible. जब तक हमें विजय ना प्राप्त. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. This is your will. क्योंकि यही आपकी इच्छा है. And we pray for everyone who heard this meditation, and they shall discover through practical prayer life that it is true. और प्रभु हमारी प्रार्थना यही है
कि जिस किसी ने इस वचन को सुना है वो अपने जीवन में इसको अनुभव करने पाए। आमेन। Amen. God bless you, my friends. मेरे मित्रों, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। This is a great day. ये एक महान दिन है। Live victoriously. एक जयवंत एक जीवन को आप जिए। Amen. Amen.